एक गीत आया हमारे नंदकिशोर भाई ने, बड़ा अच्छा चक्र दिया, बहुत भारी, बड़ा गरम चक्र दिया, बहुत गरम, खुद तो हाफ ही गए इनके पीछे वाले के हाफ, पूरा तखत टोरे में डाल रहे हैं, अरे बाबा गड़बड़ी कर दिया, पंप लग गया, पसीने से पूरी बनियान भीग गई, हाँ बात सुखा रहे हैं, कहाँ गए भाई साहब, स्वागत में घूमती है घाट घाट जिंदगी, घाट घाट जिंदगी लगती है, पासना में ठाट वाट जिंदगी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बस ऐसे लोगों से हो गई बारह वाट जिंदगी, क्या बात है, क्या बात, हमारे गुरु कहा करते थे कि छल की छल की हार भरी लगती है, लेकिन छल की जीत बुरी लगती है। देखिए भगवान शंकर का गीत पढ़ा गया आपकी तरफ से, भगवान शंकर जी ने का गीत पढ़ते हैं, मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ, वाह ये है अच्छी सोच, अच्छे लोगों की अच्छी सोच, भगवान शंकर का गीत पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया, भगवान शंकर जिनको जपते हैं अपने मन के अंदर साधना में लीन होकर के, मैं उनका गीत पढ़ रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है, गीत पढ़ा गया कि तुम जाओ कहीं हमारे दीपू भाई बड़े अच्छे आयोजक हैं वीरपुरा के, श्रीवास्तव जी बड़े सुंदर सुंदर कार्यक्रम उन्होंने कराए हैं वीरपुरा में, मैं तो ये कहूंगा कि कानपुर की कई हस्तियां इन्होंने अपने मंच पे बुलाई हैं, हमारे आयोजक महोदय आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से, लेकिन लाइन सुनिएगा दीपू भाई, लाइन सुनिएगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ी गई, क्या तुम जाओ कहीं सजना, हमने तो किया है प्यार, ये, ये, हमने तो किया है प्यार।
सभी लाइन हर्षित है बेचारी सुनैना जो है चौपाई में आई है कि विचलित हुई सीए महातारी विधि ने सभी एक काम बिगाड़ी। तो महाराज जनक ने कहा कि अरे तुम्हें तो खुशी होना चाहिए लेकिन तुम तो बड़ी दुखी हो गई। अब देखिए मैं चार नाम ले रहा हूँ, पीछे से बात नहीं करूंगा निराला जी, पीछे से बात नहीं करूंगा, चार नाम ले रहा हूँ। चार नाम है राम परशुराम बलराम सारे ग्राम। जय हो। अब चारों को अपने तन में स्थापित करके दिखा रहा हूँ, क्या बात, बस चारों रामों को तो सुनिएगा। जब सुनैना विचलित हो गई, जनक ने कहा कि आखिरकार दुखी क्यों हो गई, तो सुनैना कहने लगी कि सब कुछ अच्छा हुआ नाथ, सब कुछ अच्छा हुआ लेकिन एक मेरे मन में शंका है। बोले क्या, क्या? कहने लगी अयोध्या से हुए हर सीता पर पाई तो भगवान शंकर खुश हो गए। समझते रहिए भाई, हर से यहाँ पे नारी व नर पर सुनैना बोली नर से नहीं है कोई भी डर, डर ये सताए मुझे प्रिय वर संजय भाई के लिए प्रदत्त हो रहा है और धन्यवाद है। और क्या, क्या ये दूध पीने के लिए हो रहा है, दूध पीने के लिए। सुनैना कहने लगी क्या देना परशुराम।
निराला जी की, हमारे संजय भाई कल ही यूट्यूब पे डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको भी सुनना हो ये जवाबी जो है आपको यूट्यूब में भी सुनने को। बिल्कुल घर भाई जी सुनो। दूसरी बात देखे आप, हनुमान जी के दरबार में पहुंचा, देखा क्या राम के उपासक कपि प्रिया।
उतारी चढ़ाई जाओगी, यानी आप ऊपर रहेगी मैं नीचे रहूंगी। ये बात विष्णु भगवान कहने लगे। बहुत बढ़िया। तो एक लाइन याद आ गई, कौन सी? मन में परशुराम, हृदय में सियाराम, नैनों में बलराम। तो आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। और हमारे ये भैया कुशवाहा लाइट और उनकी तरफ से पुनः पुरस्कार प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चूंकि प्रथम चक्र में ज्यादा समय लगने की वजह से ये नियम हो गया है कि कटपीस जो है दूसरे राउंड से शुरू होता है, इसके बाद हमारे निराला जी आएंगे। कि घर वाले पे चरण धरे, घर वाली कैसी होगी, और जब महाकाल है ऐसे, बोले महाकाल ऐसे कैसे है? अरे ऐसे है कि कदमों में लेते हैं महामाई के, समझो ऐसे है, महाकाली के कदमों में लेते हैं। स्पष्ट लाइन कह रही है कि महाकाल है ऐसे जो कदमों में लेते हैं, तो लाइन कह रही है महाकाली कैसी हो, स्पष्ट कर रही है। फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, अरे निराला जी आप कह रहे हो घर वाला है ऐसा, तो घरवाली कैसी होगी, ये हमारी लाइन नहीं कह रही है, आपने सुना नहीं है। प्रत्येक लाइन में स्पष्टीकरण हो रहा है, समझो कि पहलो वाला ऐसा चरणों में लेते हैं, समझो तो सीरा वाली कैसी होगी, समझो। माता भवानी भोलेनाथ को खा गई, धुआंबत के भोलेनाथ बाहर आ गए, उस जगह नाम पड़ गया धुआंबती, समझो। तो अपने पति से पेट भरे घर वाली कैसी होगी, और दूसरी लाइन में मैंने ये नहीं कहा कि घर वाला है ऐसा तो घरवाली कैसी होगी ना, जिसका भोजन शिव जी, जिसका भोजन शिव जी तो खाने वाली कैसी, हाँ
देवादी देव महादेव को खा गई तो महाकाली कैसी हो गई, खाने वाली कैसी हो गई, समझो। आता ना जाता हो चुनाव चुन छाता बात तो है सब। ये हकीकत है। करे निराला जी हम लोग बाल की खाल निकाल के आप तो नहीं जानते भैया कि आप खाल निकालते हैं। अब ये खाल निकालने वाला आपने विषय रख दिया, आप कुछ कह नहीं सकते इसमें। जी, ये नया आइटम चालू कर दिया ये कोई बात नहीं। अपने कमाल महाराज कह रहे थे हम लोग खाल निकालते हैं बेटा। जय हो प्रभु, जय हो। नया आइटम चालू है लेकिन ठीक है, आपने जवाब जो भी दिया कि एस म्यूजिक चैनल यहाँ लगा हुआ है, सब यूट्यूब पर सुनाई देगा। जवाब में क्या है क्या नहीं आप लोगों ने भी स्पष्ट सुना है। ज्यादा छींटा कसी ना करते हुए चलते हैं बाकी भैया की गीत की ओर। गीत बजा कौन सा, हम चाय का जी घबराते बहुत हो। सुनिए तसल्ली का गाना बजाना सुनिए आप। अयोध्या से आए यहाँ रघुवर, तो रघुवर को सीता ने लीना है वर। क्या बात है भैया, देखिए आपने अपने गीत में कथा तो बढ़िया दी है लेकिन कथा में कुछ रचना जो करता है कवि, उस रचना में आपने बहुत कुछ छुपा दिया है। इसमें दिखाई दे रहा है अयोध्या से आए यहाँ रघुवर, अब रघुवर में लाइन खत्म हुई और जो आपने नहीं बताया उसे हम समझ गए। आपके गीत को पढ़ के मैं समझ गया हूं, अयोध्या से आए यहां रघुवर, अब दूसरी लाइन रघुवर से फिर शुरू हो रही है। ये विधा लगी हुई आपके गीत में सुनेगा। रघुवर ने सीता को लीना है वर, पर पाई सीता तो खुश है पहर। जहां लाइन आ रही है खुश है महल,
पकड़ लिया गांधी जी का, आपकी लाइन अब आगे वाली होना चाहिए थी महल से शुरू, लेकिन उसे आपने हर से शुरू कर दिया। ये आपकी कमी महोदय जी कमी है, क्योंकि यदि अंत में आया महल नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, लास्ट में हर आया है, लेकिन वो शब्द आपका लगा है पूरा महल, खुश है महल, हाँ शब्द है, हम उसी शब्द लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। आप वरिष्ठ कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, आपका अनुभव ज्यादा है, सुनेगा। पर पाई सीता तो खुश है महल, हर साए यहां पर नाजी वानर, नर से नहीं है कोई भी डर, नर से सताए मुझे प्रियवर, माता श्री कहने लगी डर ये सताए मुझे प्रियवर, डर क्या सता रहा है, मेरे मन में बसे सुनाओ तो काफी समय हो जाएगा। अब सुनिएगा सीरत चलते हैं जवाब की ओर। जी चलो, अगर जवाब में आनंद आ जाए, इनकी विधा को और कथा को समझ लिया है आप लोगों ने, अब जवाब को समझिएगा। बाकी भैया आपने एक बात कही थी हमसे कि निराला जी आपने शंकर भगवान का गीत सुनाया और मैं ले चल रहा हूं आपको उस गीत की ओर, जनरल चलिए, जब आपने भोलेनाथ से हमें राम की राह दिखा दी, राम के गीत की ओर ले गए, अब मैं बता रहा हूं आपको, इस लाइन को नोट करिए, मैं ले चल रहा हूं जिन्हें राम अपने हृदय में रखते हैं उस भोलेनाथ, ये बात एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, भगवान राम किसको अपने सीने में रखते हैं सुनेगा। जैसे ही समुद्र किनारे प्रभु राम पहुंचे, लंका जाने की तैयारी थी और सेतु निर्माण की भी तैयारी हो रही थी, इसके पहले सोचा कि क्यों ना भोलेनाथ की स्थापना की जाए, तो देखिए भगवान राम भोलेनाथ की स्थापना कर रहे हैं, जवाब ही शुरू हो रहा है, सुनिएगा। पुजारी हो और हम भी उनके उपासक हैं, तो कहने लगे भगवान राम की परमा बोले बचन रघुना, मेरे मन में फंसे हैं भोलेनाथ,
बाके भैया जवाब अच्छा लगा हो, बाके भैया यदि जवाब अच्छा लगा हो तो मुस्कुराते रहिएगा। अब राम 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 अपने अपनी लाइनों में दिखाया है, अब देखिए यहाँ गीत में विधा वही चल रही है लेकिन अंतिम टुकड़े में आपके लिए विधा नहीं है। बाकी भैया अंतिम टुकड़ा आपने जो पढ़ा उसमें ये विधा नहीं डली है, तो हमने भी वही काम किया है जैसा काल वैसा। ठीक है, एक बार ब्रह्मा जी से वरदान मिला दशानंद को, तो रावण कहने लगा सुवर्ण सोना, सोने को सुवर्ण कहते हैं, तो सुनेगा कि पर पाया विधि से तो पाऊं सुवर्ण। कुंभकर्ण को सोना मिला, रावण को सोना मिला, लगे रमुन्ना भाई सुवर्ण नगर हो। रावण ने प्रभुदेव से कहा प्रभु सुवर्ण नगर हो और सुवर्ण भवन, सुवर्ण नगर हो और सुवर्ण भवन। हम लाइन आके भवन में खत्म हुई तो भवन से शुरू हो रही है। बसे हैं विश्वनाथ, आप जवाब भी सुने। Thank you.
तुम हो कन्हैया मेरे शिक्षा रखी। आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया जी, तो आप मेरे शिक्षार्थी हैं। और लेकिन भागे भैया, इस टुकड़े में तीसरे अंतरे में आपके में जो विधा आपने गीत में डाली है वो तीसरे टुकड़े में नहीं डाली। अगर डाली होती तो निराला भी दिखा देता है जी। सुनेगा तुम हो कन्हैया मेरे शुकचारती। हे कन्हैया मधुसूदन, मुझको समझना बस तुम विद्यारथी। हे प्रभु, आपको मेरा सारथी बनना है, ये निवेदन कर रहा हूँ जी। सुने, आपको मेरा रथ चलाना है। अर्जुन कहने लगे कन्हैया, नहीं चाहूं मैं कोई सौगा, क्योंकि मेरे मन में बसे हैं यदुना। मेरे मन प्रदीप श्रीवास्तव ग्रुप पीके जैन मंदिर, पीके जैन मंदिर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और कैमरा पत्र बताए आनंद सोनी गोलू खरूसा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है आनंद भैया को। और ये एक से एक पत्र बताए मनोज सोनी सुरेंद्र आनंद के छोटे भाई, वाह समझ आ गए, सुरेंद्र आनंद के छोटे भाई मनोज सोनी जी की ओर से एक से एक पत्र मुद्राए हैं। और 51 पत्र मुद्राए पुनः गोलू भाई खरूसा वाले आनंद के लला, क्या कहने, बहुत अच्छे हैं। मेरे मन में बसे हैं यदुना। आपने कहा था निराला जी, आपने शंकर जी का गीत सुनाया, अब शंकर जी के दिल में कौन है, मैं उनका गीत सुना रहा हूँ। मैंने भी जवाब में वही प्रयास किया कि राम जी के दिल में कौन है, ये दिल की बात है, बस वही प्रयास मैंने कर दिया है। आइए चलते हैं एक और इस गीत की ओर अपने।